पहले के एक ये इसका फुट बॉर्ड है ना, ये बार जिसके ऊपर हम पाउंड रखते हैं वो भी नहीं मिलता हमें। हाँ। वो एक मिनट में वो सारा खोल के वो ख़त्म हो जाता है, हमें एक चीज़ नहीं इसकी मिल सकती, चाहे वो बाइक है चाहे वो रिक्शा है। अब हम बाइक राइडर हैं, 300 रुपये लीटर पेट्रोल इन्होंने किया हुआ है। अब छोटी सी बात है, 800-900 हज़ार रुपया अगर हम कमाते हैं, रेंट का घर है, बिल इतने इतने आ जाते हैं। अब मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ। पिछले महीने मैंने 13 हज़ार रुपया बिल दिया है, मैं बिजली का बिल, और मैं अकेला बंदा, मेरे पास फ्रिज नहीं है, मेरे पास टीवी नहीं है, मैंने किस चीज़ का 13 हज़ार रुपया बिल पे किया? एक बल्ब चलता है, एक मोबाइल चार्जिंग करना होता है, या छत वाला पंखा, वो भी कभी कभार। सारा दिन तो मैं इधर ही हूँ, सुबह 7 बजे मैं आता हूँ, रात को 9-10 बजे मैं घर जाता हूँ। सारी रात में अगर सर्दी लगती है तो बंद कर देते हैं, नहीं तो चल रहा होता है। 13 हज़ार रुपया मैंने बिल दिया, मैंने कहाँ से दिया होगा बिल? 12 हज़ार रुपये मेरे घर का रेंट, 13 हज़ार रुपये मैंने बिल पे किया। गैस आती नहीं है, गैस का बिल आप, अब मैं, मेरे पास बिल नहीं है, मैं आपको ला कर दिखाऊँ बिल, 8-8 हज़ार रुपया गैस का बिल पे किया और गैस नहीं आती। खाना मैंने बाहर से खाना है, मेरे घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं है, खाना मैं बाहर से खाता हूँ। घर में कोई नहीं, आप अकेले रहते? फैमिली नहीं है मेरी। अच्छा। पेरेंट्स मेरे नहीं है, डेथ हो गई है। अच्छा। अब मैं अकेला हूँ, रेंट का घर है मेरा, 12 हज़ार रुपये मैं घर का रेंट पे कर रहा हूँ, 13 हज़ार रुपये मैंने पिछले महीने का बिल पे किया। मेरे पास अब बिल नहीं है, मेरे पास वो तस्वीरें नहीं है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ। अकेला बंदा 12-13 हज़ार की बिजली कहाँ से यूज़ करेगा? आप खुद समझदार हैं, ना फ्रिज है, ना टीवी है, ना कोई एसी है, एक पंखा है, एक मोबाइल चार्ज करना होता है मैंने। या मैंने जिस रूम में मैं अपने बैठा हूँ उस रूम की लाइट जलती है, ये मेरा भाई है, कज़न है मेरा, इससे पूछें आप, जो डेली मेरे पास अक्सर आता रहता मेरे घर। 12-13 हज़ार रुपया बिल भी दे रहे हैं, लाइट अपनी मर्जी होती है, लाइट आ जाती है, मर्जी होती है लाइट नहीं आती, हुकूमत हमारे लिए। यानी आपका टोटल खर्चा तो 50-60 हज़ार से ऊपर चला गया। हाँ, तो महीने का अगर डेली का मैं 1 हज़ार भी कमाता हूँ, महीने का 30 हज़ार हो गया, 50 हज़ार। अब मैं, बात वही है, मेरे उतने सोर्सेज ही नहीं है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो फिर चोरी चकारी करेगा ना। ये तो हमारे मेंटली माइंड में हुकूमत ने खुद बैठा दिया हुआ है, हर चीज़ महंगी कर दी है। आटा लेने चले जाएँ नहीं मिल रहा, चीनी लेने चले जाएँ रेट इतने दिन ऊपर है, 100 रुपये की चीज़ लेने चले जाएँ, वो शक्ल दुकानदार हमारी देख रहा है। ये मसला मोटरसाइकिल रिक्शे वाले का नहीं है जो इस वक्त, मेरी बहन हर चीज़ में प्रॉब्लम चल रही है, मोटरसाइकिल रिक्शा है, पेट्रोल डलना है, इसने चलना है, उनके लिए भी वही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक नज़र मारे, 15-20 रिक्शे खड़े हैं, एक रिक्शे में 6 सवारियाँ बैठती हैं, अब वो 20 रिक्शे, अब हर रिक्शे के लिए सवारी तो नहीं है, दो दो तीन तीन घंटे बाद एक रिक्शा भरता है। अब हम सारे बाइक राइडर हैं, हमने जी, अब हम सारे बाइक राइडर हैं, अब हमारी बाइक में 300 का पेट्रोल लगता है, सवारी को कह देना 5-10 रुपये हमें बढ़ा दें, सवारी हमारी शक्ल देख रही होती है, कहती है हमने जाने नहीं है आपके साथ, हम पैदल चले जाएंगे, हम क्या करें हमें बताएं? इतनी दूर पैदल थोड़ी जाएगा, आवाम चली जाती है, उनकी भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो उनके लिए भी है कि उनकी पॉकेट में, मेरी बहन, उनकी जेब में पैसे होंगे तो वो पैसे खर्च करने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वक्त हर बंदे के लिए मसला बना हुआ है।